स्टूडेंट्स, क्या आपने कल का लेक्चर नोट डाउन कर लिया है? क्या कहा? नहीं किया? मुझे आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। बहरहाल, आपके लिए खुशखबरी है कि आप लोगों ने जितना काम आपको करवाया जाएगा, ये डेली बेसिस पर आपने अपनी नोटबुक पर, स्कूल की नोटबुक पर, जो ज्योमेट्री के लिए मुख्तस है, उस पर आपने काम करते जाना है। और जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह ताला, तो तब आपके कॉपीज को चेक किया जाएगा। जी, तो स्टेटमेंट नंबर टू है, यानी थ्योरम नंबर टू है चैप्टर नंबर एट का। इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल इज इक्वल टू, मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ क्योंकि इससे पहले वाली सारी स्टेटमेंट आपकी गिवन में आ रही है। एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें एंगल ए समझ लीजिए आपका एक्यूट एंगल है। वैसे तो ये पूरी की पूरी एक्यूट एंगल्स पर ही मुश्तमिल है, कोई सा भी आप एंगल ले सकते हैं। तो एंगल ए एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ए की वर्टेक्स ए की ऑपोजिट साइड है बी सी। अब इसका कहना ये है कि एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड बी सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल बनाने वाली जो दो साइड थी ए सी और ए बी, ये इनके स्क्वेयर्स के सम के इक्वल है। डिमिनिश्ड बाय, डिमिनिश मीन माइनस, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, बाय ट्वाइस मीन टू टाइम्स द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स, यानी इन्हीं दो साइडों में से एक साइड, एंड बाइजेक्शन ऑफ इट ऑन द अदर, और दूसरी के इस पर बाइजेक्शन से बनने वाले रेक्टेंगल के बराबर है। ये आप अगर गौर करें तो इसमें सिर्फ एक्यूट का वर्ड जो है वो इसमें न्यू है और डिमिनिश्ड का वर्ड न्यू है, बाकी आपका पिछला जो थ्योरम गया था तकरीबन वैसा ही है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, यानी एंगल ए जो है वो एक्यूट एंगल है। और इसमें साइड क्या है, मेजरमेंट ए बी की लेंथ, ये कल भी आपको बताया था बल्कि पहले भी आप बार बार देख चुके हो कि अगर आपके पास लेंथ नहीं दी गई नंबर्स में, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी गई लेंथ की, तो हमने ज्योमेट्रिकल फिगर्स में जो वर्टेक्स होता है उसकी ऑपोजिट साइड को उसी के नाम से जाहिर करते हैं, यानी ए बी की लेंथ आपके पास आ गई सी। इसी तरीके से ए सी है, ए सी वर्टेक्स बी के ऑपोजिट है, तो मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू B एंड मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू B। अब आपने करना सिर्फ ये है कि इसकी प्रोजेक्शन के लिए, इसका प्रोजेक्शन की साइड को शो करना है, तो इसके लिए पहले C से ए बी पर परपेंडिकुलर गिराएंगे, स्ट्रेट आपने रखना है स्केल को, सी डी परपेंडिकुलर है। और ये बात याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो भी ट्राइंगल बनाई हो उसमें ये बिल्कुल मिड पॉइंट के तौर पर डी आए, ये दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर ट्राइंगल। तो यहाँ पर दो राइट एंगल दोनों साइड पे बन गए। तो लिखेंगे ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, वेयर AD is the projection of side AC on AB। अब प्रूव आपने क्या करना है, फिर से दोबारा स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड है बी सी, स्क्वायर ऑफ बी सी इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बनाने वाली साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है। यानी आपके पास है मेजरमेंट ए सी और मेजरमेंट ए बी diminished by twice the rectangle containing one side of it, यानी measurement ए बी एंड projection on it of the other, that is AD।
सिंबल लिख रही हूँ या इनके इनके जो हमने यहाँ पे इनके लेंथ को शो किया था, उस लेंथ को क्योंकि ये मेजरमेंट का थ्योरम मेजरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए हम इनकी लेंथ लेंगे। बी सी वॉज इक्वल टू गलती से तो इसको ठीक कर देती हूँ। ए बी और इधर है बी सी, बी सी आपके पास है ए के इक्वल। चलिए अब स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बी प्लस स्क्वायर ऑफ सी माइनस ट्वाइस ए बी मीन सी एंड ए डी। ए डी को हमने नहीं लेक्ट किया था, इसको यहीं पे कर देते हैं। मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू एक्स, यानी ये पार्ट आपके पास है एक्स। अब सी इसका मतलब था ये पूरी लेंथ थी, सी जो था वो पूरे ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब ए डी को हमने एक्स कर लिया है और सी से डी तक की लेंथ जो है वो एच है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ए डी की जगह पर एक्स। अब आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, इसी एक साइड ले लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन में है हमारे पास। उसको आप वो कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि सी डी हमने ए बी पर परपेंडिकुलर गिराया था, क्योंकि ये गिवन की स्टेटमेंट के अंदर है इसलिए इसको गिवन भी लिख सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम को अगर यूज़ करेंगे तो ए सी डी में आपके पास ए सी जो था जिसको बी का नाम दिया गया था, बी स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर। एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर रिजल्ट नंबर वन यूज हमने किया है पाइथागोरस थ्योरम। नंबर टू, अब सेकंड आपकी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल एक और है, राइट ट्राइंगल बी डी सी। इसमें भी मेजरमेंट एंगल डी जो कि बी से डी से सी की तरफ चल रहा है इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री, ये भी गिवन है। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो राइट एंगल डी पर है और डी की ऑपोजिट साइड ए है, यानी हाइपोटेनस आपका ए है और पेंडिकुलर अगेन आपका एच है। अब आपके पास बी डी है, बी डी की मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। आप ये देखें कि ये पूरी लेंथ फर्ज कर लें 7 सेंटीमीटर थी, ठीक, उसमें से ए से डी की लेंथ 3 सेंटीमीटर थी। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये बाकी एरिया कितना है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसको इसमें से माइनस करके, यानी 7 - 3 = 4। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं कि बी डी जो है वो टोटल सी है, सी में से एक्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बाकी एरिया बाकी लेंथ बी डी को शो कर रही है, तो हम इसकी जगह पर सी माइनस एक्स लिख सकते हैं। नाउ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सी माइनस एक्स, यानी बेस मेरे पास जो बी डी थी, जो बी डी की लेंथ थी मेरे पास, वो टोटल सी में से एक्स को माइनस करने के बाद हासिल हो जाएगी। तो सी माइनस एक्स का कंप्लीट स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, रीजन इसकी अगेन वही है पाइथागोरस थ्योरम है। ए स्केयर इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे, स्केयर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्केयर ऑफ सेकेंड टर्म, ये याद है जब भूल चुके हैं, सी माइनस एक्स यानी ए माइनस बी होल स्केयर, स्केयर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्केयर ऑफ सेकेंड टर्म माइनस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म और प्लस एच स्केयर अगेन। और अब ए स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस एच स्केयर माइनस टू सी एक्स, और ए स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर।
अब एच स्केयर प्लस एक्स स्केयर हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि बी स्केयर के इक्वल है, तो मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज करूंगी। इसमें लिख लूंगी फ्रॉम वन, कल मैंने आपको ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट देना लिखवाई थी, आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह जस्ट रिजल्ट का नंबर लिखकर भी रीजन को क्लियर कर सकते हैं। ये तो बार बार मैं मुख्तलिफ तरीके से इसीलिए करवा रही हूँ कि आपको रटाना लगाना पड़े, जो भी चीज़ आपको याद हो आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर लें। सी स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर की जगह मेरे पास अब आ जाएगा बी स्केयर, रिजल्ट नंबर वन से मुझे पता चला माइनस टू सी एक्स। अब देखिए यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस टू सी एक्स। आपके पास यही रिजल्ट आ चुका है, ए स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस बी स्केयर। आप इसको जगह चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों का सम प्लस का है, बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस टू सी एक्स। कल फिर मिलेंगे और उम्मीद है कि अब आप अपना होमवर्क कम्प्लीट करके बैठेंगे। अल्लाह हाफिज़।